बड़े अच्छे लगते हैं। जी देखिए वीर जी, इन्ने बढ़िया फोटो दे जी तुम्हारे और परजाई जी के। ओ बस कर यार, अब तक तो तेरा कैमरा भी हमारी फोटो से तंग आ गया होगा। देखना लेंस फूट जाएगा अभी थोड़ी देर में। आप भी कमाल करते हैं वीर जी। देखो बातों बातों में तो बताना ही भूल गया। जी परजाई जी, आपको ऑपेरा हाउस का प्ले देखना था ना जी? कल ऑपेरा हाउस में जबरदस्त प्ले हो रहा है, मैंने आप दोनों की टिकट करवा दी है, जरूर जाइएगा। अरे नॉट अगेन यार, ऑपेरा फिर से नहीं देखना है मुझे। टिकट करवा दी है तो जाते हैं ना। और तुम भी आना फोटो खींचने, थिएटर का फोटो भी तो दादी को भेजना होगा ना। बैंक से फोन यहां पर। हेलो, यस मिस्टर गन, एक्सक्यूज मी, जी। ओ ओके, ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। थैंक यू। अरे यार कैसी मुसीबत है, अभी कल ही मैंने प्रिया से कहा कि हम हनीमून कंटिन्यू करें और आज फिर से वही वापस जाने वाली बात। उसका तो दिल टूट जाएगा यार। नहीं नहीं, लेकिन जाना तो पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया तो हम फिर कभी भी आ सकते हैं, लेकिन समय पर फंड्स ट्रांसफर नहीं हुए तो बहुत नुकसान होगा यार। आफ्टर ऑल ड्यूटी ऑलवेज कम्स फर्स्ट, कम ऑन। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बस काम के सिलसिले में फोन था, बट नो बिग डील, कोई बड़ी बात। वो जी वीर जी, परजाई जी, चलते हैं फिर। वैसे भी यहाँ से अब हमको वोगन वैली रिजॉर्ट जाना है जी, बहुत लंबा रास्ता है, बहुत टाइम लगेगा। अरे यार राम, क्या हो रहा है तुझे? मुझे कहना कुछ है और तू कह रहा कुछ और है। अरे तेरे लिए हमेशा से काम ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है राम, और वो सही है। अभी के अभी बता दे प्रिया को कि हमें वापस जाना होगा। हाँ वहाँ तो चलते हैं, लेकिन मैं सोच रही थी मिस्टर कपूर, हम इतनी दूर आए हैं तो हमें गोल्ड कोस्ट भी देखने जरूर जाना चाहिए। एक दिन लगेगा आने जाने में, लेकिन कम से कम हम इतनी दूर आके कुछ देख तो पाएंगे एक्स्ट्रा। एक्चुअली प्रिया, बात दरअसल विक्रम का फोन है, सॉरी एक्सक्यूज। विक्रम यार, तू सच में मेरा दोस्त है, मेरा भाई है तू। जब भी तेरी जरूरत पड़ती है ना, तू मौजूद होता है। I love you यार। एक मिनट, तू मुझसे बात कर रहा है यार? तुझे ये सब लाइनें ना राम प्रिया को बोलनी थी, मुझे नहीं यार। तू फिर से शुरू हो गया? अच्छा तू क्या कह रहा था, तेरे को अपने हनीमून के बीच में मेरी क्या जरूरत आन पड़ी यार? यार वो बैंक से मिस्टर खन्ना का फोन आया था, कुछ फंड ट्रांसफर का इशू हो गया और वो कह रहे हैं कि उनको अर्जेंटली मेरे सिग्नेचर की जरूरत है। अब या तो मैं वापस इंडिया हूँ साइन करूँ, नहीं तो फंड्स ट्रांसफर हो नहीं सकता। मतलब प्रोडक्शन सफर होगा, नुकसान होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। लेकिन तू मुझसे क्या चाह रहा है? क्या चाहता है मतलब? अरे कुछ सोल्यूशन तो बता यार। सोल्यूशन है ना, तू एक काम कर, अपना हनीमून कट शॉर्ट कर ले और वहां से निकल पड़, वापस आ जा और साइन कर ले बैंक में। अरे नहीं यार, इंडिया नहीं आ सकता, मतलब मैं अकेले थोड़ी हूँ यहाँ पर यार, प्रिया भी तो है मेरे साथ। और अच्छा अच्छा, प्रिया यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रही है, रियली रियली हैविंग अ गुड टाइम। अब उसको अगर मैं बोलूँगा कि हमको वापस जाना है, उसको बुरा लगेगा यार। आई डोंट वांट टू डू दैट, समझा कर यार। सब समझ रहा हूँ, वो समझ रहा हूँ जो तू बोल रहा है और जो तू नहीं भी बोल रहा। क्या क्या समझ रहा? यही कि तू प्रिया को हर्ट नहीं करना चाहता, उसका दिल नहीं दुखाना चाहता, वो वहाँ बहुत खुश है और तू भी वहाँ बहुत खुश है। और मैं
ये भी समझ रहा हूँ कि प्रिया के साथ ने तुझे बदल दिया। बस ऑस्ट्रेलिया की हवा में जरूर कोई जादू है यहाँ। ऐसा कुछ नहीं है यार, बस मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। हाँ हाँ मैं समझ गया राम, मतलब पहली बार लाइफ में तू बिजनेस का प्रॉफिट लॉस नहीं सोचकर किसी के दिल के बारे में सोच रहा है। आई मीन अमेजिंग है यार, तू मेरा काम करेगा कि नहीं? हाँ हाँ तेरा काम हो जाएगा यार, टेंशन मत ले। बैंक मैनेजर अपने दोस्त ही तो है, मैं खुद पर्सनली उसके पास जाता हूँ और ये सब फॉर्मेलिटीज देख लेता हूँ। इसलिए तू अब इन सब चीजों की टेंशन छोड़ और अपने हनीमून को एंजॉय कर। थैंक यू थैंक्स सो मच। वैसे तूने क्यों फोन किया? हाँ वो को बताना था कि कुछ नहीं यार, कोई ऐसी खास बात नहीं। एक्चुअली मैं तुझसे पूछना चाह रहा था कि तेरी प्रिया के साथ बात कितनी आगे बढ़ी, लेकिन इससे पहले मैं पूछता तूने खुद मेरी बात का जवाब दे दिया। क्या 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 जवाब मिल गया तुझे? यही जवाब कि मेरा दोस्त शादी के रिश्ते को समझ भी रहा है और उसे बहुत अच्छे से निभा भी रहा है। देख रहा परिवार की अहमियत तो तू शुरू से ही जानता था, लेकिन अपनापन क्या होता है, अपना परिवार क्या होता है, ये आज तुझे महसूस भी हो रहा है और तू उसे समझ भी रहा है। मैं फोन रख रहा हूँ, बाय। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। ये भी ना। वेल डन विक्रम, आज तुम्हारे नए जॉब का पहला दिन है और टाइम पर पहुंचने के बजाय तुम राम का काम करने चले। तुम भी ना उसे बता देती ना कि आज तुम्हारा पहला दिन है, यू कांट डू दिस। अरे नेहा, वही कहने के लिए तो उसे फोन किया था। दादा पहला दिन है नई जॉब का, उसके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं कुछ कह पाता उसने अपना कुछ काम बता दिया, प्रॉब्लम है उसे कुछ, तो उसे क्या बताता? अगर बता देता तो अपनी नहीं शेयर करता ना मेरे साथ। वही तो पॉइंट है, अगर तुम अपनी प्रॉब्लम बता देते तो वो ऐसा नहीं करता। क्या बताता नेहा, आपकी प्रॉब्लम भी तो मेरी प्रॉब्लम है ना, अब मैं अगर उसकी प्रॉब्लम में उसकी हेल्प नहीं करूंगा तो कौन करेगा? और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि राम और प्रिया जितना ज्यादा वक्त सिडनी में गुजार सके गुजारें। क्या मतलब? मतलब ये कि राम और प्रिया एक दूसरे के करीब आ रहे हैं नेहा। आगे बढ़ रहे? हाँ, लेकिन अपनी स्पीड पर, धीरे धीरे, वक्त लेकर, यू नो देम ना। अगर ऐसे में राम अपना हनीमून छोड़कर यहाँ आ जाएगा तो फिर उसका ऑफिस, उसका काम, उनकी रोमांस की गाड़ी ना वहीं बंद हो जाएगी। इसीलिए ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी आज ऑफिस में पहला दिन है, मतलब पहले दिन क्या होता है, ब्रीफिंग होगी, इंट्रोडक्शन होंगी, कुछ काम थोड़ी होगा। बस यूं ही तो कह दूंगा, पर्सनल काम की वजह से मैं 1-1.5 घंटा लेट आऊंगा, तो चलेगा ना? बीबी, अगर तुम अपने दोस्त के लिए इतना कुछ कर सकते हो तो अपनी बीबी के लिए भी एक काम करोगे? हाँ करूंगा ना, क्यों नहीं करूंगा। Really? हाँ। Okay, one minute. ये जो मेरा कुर्ता है ना, ये उधड़ गया था तो मास्टर जी को कहना इसे रफू करना है। ओके? क्या करना है? रफू। अरे वो समझ जाएंगे। हाँ और... अरे तो लेकिन बैग तो दोनों नया, ऐसे हाथ में थोड़ी लेके जाऊंगा। अरे दे रही हूँ, और ये लो गाड़ी की चाबी, ऑफिस से आते वक्त बच्चों को प्लीज स्कूल से पिकअप कर लेना। बच्चों को भी मैं ही पिक कर रहा हूँ। और तो कुछ काम नहीं होगा वो है ना। एक मिनट देखो, मैं चाहती हूँ कि शाम को तुम्हारे लिए मैं फिश करी बनाऊँ, तो फिश खरीद लेना। अच्छा हाँ, प्लीज। हाँ वैसे अगर पूरा दिन मैं ये सब काम कर रहा हूँ तो तुम इतना खस धज कर क्या कर रही हो? मैं घूमने जा रही हूँ ना, चांदनी का बर्थडे है ना, तो हमने सोचा हम लोग लंच करेंगे, फिर पिक्चर देखने जाएंगे, और अगर टाइम मिला ना तो पार्लर भी जाएंगे। मैंने कहा मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना बेबी? तो मैंने कब माइंड किया है, मैं कर लूंगा सारे काम। सच? बाय। हैव फन डार्लिंग। यू टू। क्या मुसीबत है यार, मैं ऑफिस जाऊं काम करूं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।